The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. यो 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 गाइस, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। सो मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं कहां पर, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है। और ये अब फैमिली 7,20,000 भी क्रॉस कर गए यार, कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी उम्मीदें पूरी हों, बस दिल से यही दुआ निकल रही है गाइज। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, 7,20,000 हम लोग क्रॉस कर दिए हैं और बस इसी तरह से हम बढ़ते जाएं, है ना। सो चलिए गाइस, फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे और 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं गाइस। तो बल्ले बल्ले, शामा शामा, चलें शुरू करें फटाफट से। मेटलर्जी क्या करने वाले हैं, कॉपर का एक सेक्शन लास्ट टॉपिक है, उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले I'm actually so excited to see you all on Instagram, guys. मैं चाहता हूं, मुझे पता है आपका सिलेक्शन होगा, मेरे वर्ड ध्यान रखना, मुझे पता है इस वक्त जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबका सिलेक्शन होगा, मैं जानता हूं, दिल से मेरी उम्मीद है कहीं ना कहीं आप अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन करवाओगे। जिस दिन आप अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन कराओगे ना, उस कॉलेज के नाम के साथ एक बार प्यारी सी सेल्फी ले लेना और सेल्फी मुझे भेज देना और मैं इंस्टाग्राम पे उस सेल्फी को शेयर करूंगा गाइस। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं इंस्टाग्राम पे, आज ये मेरे साथ जुड़े, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। 10,700 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया है यार, कम ऑन। अरविंद डॉट अरोरा पे मैं छोटे छोटे मोटिवेशन के डालते रहता हूं, मोटिवेशन के वीडियोस डालते रहता हूं। आज मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है, तो प्लीज आप एक बार जाके जरूर चेक करो, है ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस। सो वो आपका बूस्ट करेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर कोई मोटिवेशन का वीडियो दो ताकि हमारा मोरल बूस्ट रहे, तो हर एक एक मिनट का छोटा छोटा हर एक दिन वीडियो डाल रहा हूं इंस्टाग्राम पे, जाके देखना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जुड़िए मेरे साथ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस दुनिया में दुख ही दुख है, सुख लेने वाले कमी है, इसलिए मौज बनाते रहिए। चलो शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए मेरे साथ। कई बच्चे कह रहे थे सर हमारा इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करके मुझे फॉलो करके बंद कर दो, कौन कह रहा है उसको ओपन करने को, है ना। पर मुझे पता है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन फोटो जरूर खींचोगे, तो वो शेयर करना मुझसे। इसके अलावा गाइस, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, ये हमारा चैनल है जो आपको मुझसे जोड़ता है, यही एक जरिया है जिसकी वजह से आप मुझसे जुड़े हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ गाइस, इट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इस फैमिली का हिस्सा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस VEDANTU.in/medical भी इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये जो ग्रुप है वो 9,000 बच्चे क्रॉस कर चुका है, 9,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। सो प्लीज आप इसको जरूर ज्वाइन करो। चलिए गाइस, तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे जो यहां पर अभी हैं, ठीक है, उनको मैं हाय बोल देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं, तो आप फटाफट से हाय लिखो। प्रखर, जीत शर्मा, रचना, ऋत्विक, जीत, शिप्रा, निधि और प्रियंका और वाओ सृष्टि, वाओ और वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। नेहा, नैन्सी, गरिमा, सुकन्या, प्राची, डॉक्टर, वाओ वाओ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कॉपर के एक सेक्शन को, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद है चैप्टर, चैप्टर क्या ये चैप्टर का चैप्टर क्लास आज मैं बंगाली बोल रहा हूं, बोला मैं चैप्टर बोला चैप्टर, सो फाइनली ये चैप्टर क्लास कर देंगे हम, हाँ। तो चलो शुरू करते हैं, नाम क्या है टॉपिक का, इसका नाम है कॉपर। चलें शुरू करें, तो चैप्टर को खुलास करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पे चलते हैं गाइस। सबसे पहले इसके ओर्स देखते हैं, यहां पर हर एक बच्चा ओर का नाम लिखेगा और उसका फॉर्मूला लिखेगा, कॉपी ले लो, पेन ले लो, बैठ जाओ, पहला जो उसका ओर है वो देख लो, क्योंकि यही है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है चैल्कोपाइराइट। नाम देखो, नाम क्या है इसका, चैल्कोपाइराइट, ओके। सो चैल्कोपाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2, और यही इसका और है, यही इसका और है, है ना, सही है। तो चैल्कोपाइराइट ने कॉपर से कहा, ठीक है,
कॉपर ने चलको पायरेट से कहा कि तू मेरी कौन, तो चलको पायरेट ने जवाब दिया तेरी ओर, तेरी ओर। लेम जोक, बढ़िया इसे याद हो जाएगा आपको। सो चलको पायरेट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। नाउ दिस इज द ओर बेसिकली, इसका कलर इसीलिए चेंज किया। नीचे क्या हमारे पास, ये है चलको साइट जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S। देखो दोनों के दोनों सल्फाइड ओर है, और आप जरा गौर से देखो कि चलको पायराइट में भी सल्फाइड सल्फर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सल्फर वाले जो यू नो प्रोसेसेस है वो इसमें यूज होंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो फ्लोटेशन याद है आप लोगों को, और जब आप क्या कर रहे होगे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होगे तो रोस्टिंग, ये तो फिक्स हो गया। तो मतलब फ्लोथ रोटेशन और रोस्टिंग तो फिक्स हो गई। तो जब आप ओर को पता होता है ना आपको कि कौन सी ओर लेनी है, तो आप फटाफट से ना तुरंत आप याद कर सकते हो कि एक्चुअली प्रोसेस कौन सा लगाना है इसके अंदर, ठीक है। सो यहां पर हो गया चलको पायराइट एंड चलको साइट जिसके फॉर्मूले CuFeS2 एंड Cu2S, ठीक है। सो ये दो हो गए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो मेलाकाइट ग्रीन जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आया है, तो मैं आपको बता दें इसको नाम नोट कर लो चलको। यहां पर मेलाकाइट ग्रीन जिसका फॉर्मूला है CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस, ओके। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, एजुराइट। एजुराइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। अब दोनों में फर्क क्या, देखो है तो दोनों में सेम ही CuCO3, CuOH होल ट्वाइस, लेकिन यहां पर CuCO3 ट्वाइस है, ठीक है। सो इतना सा फर्क है जिससे इसका नाम चेंज हो गया, मेलाकाइट से एजुराइट बन गया। तो ये आपको 2, 3, 4 आपको मैंने यहां पर नाम करवा दिए याद। ये क्या है, मिनरल्स हैं, और इनमें से एक और है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या है, चलकोपायराइट। चलकोपायराइट CuFeS2, देन चलकोसाइट, एंड देन उसका फॉर्मूला क्या है Cu2S। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेलाकाइट ग्रीन जिसका फॉर्मूला और एजुराइट, दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ स्टोइकियोमेट्री का फर्क है और कुछ नहीं, मतलब आगे जो नंबर लगा हुआ है उसका फर्क है। प्रियांशु कुमार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास इनके क्या हो गए, मिनरल्स एंड ऑर्स, सबको पता लग गया। CuFeS2 को याद रखना, इसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। जिसका नाम क्या है, इसका नाम गौर से देख लो, जिसका नाम क्या है जरा आप गौर से देख लो, उसका नाम है चलकोपायराइट, ठीक है। सो अब आपको सबसे ज्यादा लिख लिख के सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, वो है चलकोपायराइट। तो लिख लो इसको अपने कर कमलों से, अपने हाथों से लिखो चलकोपायराइट, लिखो सब लोग चलकोपायराइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CuFeS2। ये चलकोपायराइट का फॉर्मूला होता है, लिखो CuFeS2, लिख लिया सब लोगों ने CuFeS2, ठीक है। सो CuFeS2, ये इसका फॉर्मूला होगा, और ये अपन यूज करेंगे जिसका नाम है चलकोपायराइट, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब सवाल ये है कि अब हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे। सबसे पहले अपन एक फ्लो चार्ट देखते हैं, तो फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कॉपर को मेनली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सल्फाइड ओर से, और सल्फाइड ओर से करेंगे तो इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हम क्या क्या प्रोसेसेस लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से चक्की पीसिंग 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 क्या करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नाउ लुक एट इट, सबसे पहला काम है उसको पाउडर फॉर्म में लेके आना। तो उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे, पाउडर फॉर्म में लाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन करेंगे कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन, FF याद है फ्रोथ फ्लोटेशन, हाँ पाउडर फॉर्म में लाएंगे, पुलवराइज्ड बोलते हैं, पुलवराइजेशन बोलते, वेरी गुड। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे, फिर रोस्टिंग करेंगे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, फिर स्मेल्टिंग करेंगे उसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसको रिफाइन करेंगे उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखो, तो ये इतने प्रोसेस है जिसको आपको गौर से देखना है। सबसे पहले तो उसको पल्वराइजेशन पाउडर फॉर्म में लाओगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ रोटेशन, उसके बाद रोस्टिंग जिससे आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, स्मेल्टिंग जिससे आप इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लोगे, फिर उसके बाद रिफाइनिंग जिससे आप उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना। सो आर यू गाइज एक्साइटेड, आर यू गाइज रेडी, बोलो फटाफट से क्या आप देखना चाहते हैं, शुरू करें फटाफट से, यस चले शुरू करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन नोट करिए, स्टेप नंबर वन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, किसके थ्रू करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू। हर बार हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में झाग के साथ उसकी ओर ऊपर आ जाती है,
झाग के साथ उसकी और ऊपर आ जाती है, और झाग बनाने के लिए हम लोग पाइनोल इस्तेमाल करते हैं। याद है सब लोगों को, डायग्राम देख लो फटाफट से। एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में झाग बबल्स को यहां पे पैदा करने के लिए पाइप लगाई गई है जिससे बबल्स पैदा होंगे। हम कंप्रेस एयर यहां से फ्लो करवाएंगे जिससे बबल बनेंगे, और बबल वो झाग बनाएंगे, फ्रोथ बनाएंगे, और फाइनली वो झाग के साथ ही कॉपर सल्फाइड ऊपर उठता चल जाएगा। तो फाइनली यहां पर झाग को अलग कर लोगे तो आपको कॉपर सल्फाइड अलग करके मिल जाएगा, और जो गैंग्स होगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, सो ये काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ये गैंग्स नीचे बैठ जाएंगी, आपका ये जो मेटल है बेसिकली मेटल सल्फाइड, ये मेटल सल्फाइड चला जाएगा ऊपर झाग के साथ, जरा आप चेक कर लो। ठीक है, और इसमें आप डालते क्या हो, ये झाग बनाने के लिए पाइन ऑयल डाला जाता है, नीचे लिखा हुआ है, और ऑयल स्टेबलाइजर डाला जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बात। तो फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया जाएगा और फाइनली यहां से गैंग अलग कर दी जाएगी और आपका कॉपर सल्फाइड को अलग कर लिया जाएगा। बेसिकली यहां पर हमने और कौन सा लिया है आपको बता देता हूं, CuFeS2 लिया है, ये वाला और आपका अलग हो जाएगा और गैंग नीचे बैठ जाएंगी। तो ये हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यस। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ। स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग। या अभी क्या करना है, रोस्टिंग क्या है आपके पास, सल्फाइड ओर। रोस्टिंग में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जिससे सल्फाइड ओर को आप ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लोगे। याद है या नहीं याद है, रोस्टिंग किसके लिए अप्लाई की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई की जाती है। याद है, सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई की जाती है। रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रोस्टिंग कैसे की जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबको समझ में आया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम रोस्टिंग करते हैं, और यहां से हम लोग रोस्टिंग के थ्रू क्या करेंगे, जरा आप चेक कर लो। स्टेप नंबर टू में सबसे पहले मैंने कहा था CuFeS2 लोगे, ध्यान से देखना है इसको, ये CuFeS2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले अपनी सल्फाइड ओर में कन्वर्ट हो रहा है। लुक एट इट, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, और SO2 गैस बाहर निकल रही है। ध्यान से देखो इसने किया क्या, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO2 गैस बाहर निकली, लेकिन ये अभी भी क्यूप्रस सल्फाइड और FeS की फॉर्म में ही है। गौर से चेक करना ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। गौर से देखो, जब पहली बार इसको हीट करोगे तो यहां पर CuFeS2 से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड और SO2 गैस बाहर निकल रही है। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, ये अभी भी किस फॉर्म में है, ये सल्फाइड और की फॉर्म में ही है। जरा आप चेक करो, सल्फाइड ओर की फॉर्म में ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप हीटिंग करते हो तो फायदा क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम हीटिंग करोगे तो यहां पर सल्फर की इंप्योरिटी, आर्सेनिक की इंप्योरिटी, एंटीमनी की इंप्योरिटी आप अलग कर रहे हो ऑक्साइड की फॉर्म में। चेक करो, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके As2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर एंटीमनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Sb2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब आप कहोगे सर, ये आर्सेनिक और एंटीमनी कहां से आ गई, फॉर्मूला तो हमारे पास CuFeS2 था। तो मैं आपको बता देता हूं, CuFeS2 जो फॉर्मूला दिख रहा है उसके अंदर Fe की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आता है समझ में, लेकिन उसमें स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर एंटीमनी है, उस स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपको आर्सेनिक भी मिलेगा, उसको भी दूर करना होता है। तो फर्स्ट टाइम हीटिंग करोगे तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएंगे, आ रहा है समझ में। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आज खत्म हो जाएगा अमन माथुर, आज ये लास्ट लेक्चर है मेटलर्जी का, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो बिल्कुल बोर्ड की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, नवंबर मिड से स्टार्ट कर देंगे जैसा कमिट किया था आप लोगों को। तो अभी गौर से देखो, यहां पर सल्फर ऑक्साइड की फॉर्म में, आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में और एंटीमनी ऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो गया। इज दिस क्लियर, तो सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी तो अलग हो गया। ठीक है, सो ये तीन तो हो गए अलग, क्लियर है सब लोगों को। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप गौर से चेक कर लेना, तो ये तीन इंप्योरिटी अलग हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में ही है और Fe भी सल्फाइड की फॉर्म में ही है। हालांकि Fe तो हमारे पास क्या है, ये तो इंप्योरिटी है, तो हमें तो इस पे गौर करना है। तो फिर क्या करो, फर्स्ट टाइम हीटिंग की है, सेकेंड टाइम भी हीटिंग कर दो। जब आप सेकेंड टाइम हीटिंग करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट,
हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थोड़ी है, एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, या सबको समझ में आता है, जब 21% हमारे पास ऑक्सीजन है तो यहां से ऑक्सीजन लो, इधर छोड़ दो, कर दो नहीं ऐसे नहीं होता, बट करना है। तो क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्यूप्रोक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एफई सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एफई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो फाइनली हमारा रोस्टिंग में काम खत्म हो गया, रोस्टिंग में हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया एट दी एंड। लेकिन यहां पर दो बार हीटिंग की गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बार जब आपने हीटिंग की तो आपने हीटिंग की थी CuFeS2 की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करी तो यहां पर Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 बना था। बाद में इसी को हीटिंग करते हुए आपने इन सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड्स ओर में कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आ गया क्या? जिस जिसको समझ में आ गया एक बार आप मुझे बोलो कि यस सर हमें समझ में आ गया। दो बार हीटिंग हुई है, हीटिंग नंबर 1, हीटिंग नंबर 2, चेक करो बहुत आसान है। जिस जिसको समझ में आ गया लिखो कि सर यस सर समझ में आ गया। दो बार हीटिंग हो गई है यहां पे, दो बार हीटिंग हो गई है। अब ऑटो रिडक्शन पॉसिबल है यहां से, ठीक है। काफी लोगों ने ऑटो रिडक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अभिषेक अभी भी कह रहा है रिपीट, तो इसमें क्या है बेटा, वीडियो ना अभी ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको वापस देख लेना, क्यों 10 बार रिपीट करा रहे हो, ठीक है। सो कुछ नहीं था इसके अंदर, CuFeS2 ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट टाइम हीटिंग किया तो यहां से SO2 अलग होगी, आर्सेनिक और एंटीमनी की जो हमारे पास इंप्योरिटी थी वो भी अलग हो गई। फाइनली क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। एक बार और हीटिंग करोगे तो क्या है इसके अंदर, बच्चों के जैसा है, और कई बच्चे तो दो दो बार बोल देते हैं सर रिपीट करो रिपीट करो, तो तुम दुनिया में रिपीट होने नहीं आए हो, हमसे काहे को रिपीट करवा रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास रोस्टिंग। किसी दिन को तुम दो बार जीत सकते हो क्या? मान लो कि कोई दिन है उसको दो बार जीत सकते हो क्या? नहीं, एक ही बार जीते हो, है ना। किसी पल को भी दो बार नहीं जीत सकते हो, एक ही बार जियोगे। समझ में आता है, क्लियर हो गया? सो आप किसी डाउट को भी सिर्फ एक ही बार में देखने और समझने की कोशिश किया करो। इफ यू आर स्मार्ट यू कैन डू इट, ओके। सो दो बार समझने और देखने की कोशिश करा मत करो, फायदा नहीं है उसका, टाइम खराब होता है। सो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं ना, तो थर्ड स्टेप रिडक्शन, और रिडक्शन किसके थ्रू करेंगे? स्मेल्टिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें, यहाँ हलवा है कई लोगों के लिए, हलवा है। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिडक्शन, जो किसके थ्रू करेंगे? स्मेल्टिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं, आर यू गाइस रेडी? स्मेल्टिंग के थ्रू रिडक्शन कराने को तैयार हो? स्मेल्टिंग में किसको इस्तेमाल करते हैं? कॉपर को। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती जाएंगी जिस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अपनी कॉपी पेन ले लो, स्मेल्टिंग के लिए कुछ चीजें जिसको लिखोगे आप मेरे साथ। सो आर यू गाइस रेडी? रेड आर यू गाइस रेड? तैयार हैं सब लोग? तो चलिए पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, रोस्टिंग और रोस्टेड ऑर इज मिक्स्ड विद कॉक एंड सैंड। आप क्या करते हो, जो रोस्टिंग की है आपने उसमें जो ओर मिला है आपको, उसको कार्बन और मिट्टी के साथ मिक्स करते हो, कोक एंड सैंड के साथ मिक्स करते हो। पहला काम, द मिक्सचर इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी स्मेल्टिंग होगी तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होगी। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर उसको डाल दो। ये काम हमने पहले भी किया था, याद है आप लोगों को, ये काम हमने पहले भी किया था। कहां पे किया था ये काम? हमने एफई के केस में किया था। स्मेल्टिंग सेम काम कॉपर के लिए भी कर रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कर रहे हैं, उसमें भी ऊपर से कोक डाल रहे हैं, ऊपर से सिलिका डाल रहे हैं, कार्बन और सिलिका ओर के साथ डाला जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो यहां पर क्या होगा जरा आप चेक करो, हॉट एयर कन्वर्ट्स FeO2 आयरन सिलिकेट। तो देखो यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जो यहां पर हॉट एयर आप नीचे से ब्लो करवाओगे, डायग्राम वही सेम है जो हमने आयरन के केस में देखा था। यहां से जो हॉट एयर होगी वो FeO फेरस ऑक्साइड को सिलिका आपने साथ में डाला है स्लेज में कन्वर्ट कर देगी। रिएक्शन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं, लेकिन पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। यहां पर रिएक्शन क्या होगी, FeO प्लस SiO2 दोनों को मिक्स कर दो, FeSiO3 बन जाएगा जिसको स्लेज बोलते हैं, और फाइनली वो जो स्लेज होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर फ्लोट करने लगती है उसको हटा लो, है ना। और फाइनली लास्ट ये जो स्लेज FeSiO3 फ्लोट ओवर द मोल्टन मेटी ऑफ कॉपर। यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके स्मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद जो आपको कॉपर मिलेगा उसको मेटी ऑफ कॉपर बोलते हैं,
समझ में आ गया, मेटी ऑफ कॉपर। तो चलिए इनकी केमिकल रिएक्शन को गौर से देखते हैं, लेकिन चार पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ओर को कार्बन और सैंड के साथ डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। जो FeO की इंप्योरिटी है वो तो सिलिकेट की फॉर्म में अलग हो जाती है और ऊपर तैरने लगती है और आपको नीचे मेटी ऑफ कॉपर मिल जाता है, कॉपर का मेटी फॉर्म मिल जाता है। चलिए केमिकल रिएक्शंस को गौर से देखते हैं, जरा आप चेक करो। अब ये हैं दो केमिकल रिएक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको पहले तो आप देख चुके हो, फर्स्ट वाली रिएक्शन तो पहले ही देख चुके हो। क्या है जरा आप चेक करो, FeO SiO2 से रिएक्ट करेगा, स्लैग बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, FeSiO3 साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो FeO था और क्यूप्रस ऑक्साइड था, यह क्या करेगा, यह क्यूप्रस ऑक्साइड बेसिकली FeS के साथ रिएक्ट करेगा और मेटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो क्यूप्रस सल्फाइड आपने क्यूप्रस ऑक्साइड में बदला था, वापस वो क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको मेटी बोलते हैं। जरा आप चेक करना यहां पर, नाउ दिस इज अ स्टार केमिकल रिएक्शन। ये एक स्टार केमिकल रिएक्शन है जिसको आप याद रखोगे कि ये सब हो रहा है, ये स्टार केमिकल रिएक्शन है जिसको आपको नोट डाउन करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, सबसे ज्यादा, ठीक है। सो आप चेक करो यहां पर FeO, ये तो कॉमन है, ये तो हमने पहले भी पढ़ी है। यहां से क्यूप्रस ऑक्साइड FeS फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनाएगा, इसी मिक्सचर को हम लोग मेटी बोलते हैं, ध्यान से समझना है इसको, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटी बोलते हैं। अब कोई पूछे कि मेटी क्या होता है, मेटी ऑफ कॉपर, सब लोग जवाब दो, मेटी ऑफ कॉपर क्या होता है, मेटी ऑफ कॉपर क्या होता है बताइए। तो यहां पर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग मेटी ऑफ कॉपर बोलते हैं। किस किस ने लिखा, आकिफ अशरम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, यहां पर सबसे पहले इनसेन गेमिंग ने लिखा, और इनसेन के पूरा लिखो, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, सवाल आएगा नीट के अंदर, आप नोट कर लो इसको, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, सवाल आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, किस किसने लिखा, मुस्कान ने, हिमांशु ने, नैन्सी ने, और रंजन ने, अमितुल ने, शुभा ने, सुनीता ने, स्वप्निल ने, और सुनील ने, शक्तिमान ने, आयुष्मान खुराना ने, सब लोग लिख रहे हैं, मेटी ऑफ कॉपर किसको बोलते हैं, मेटी ऑफ कॉपर, मेटी ऑफ कॉपर, याद रखना ये सवाल, मेटी ऑफ कॉपर, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना इस बात का। बाय द वे कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था बाला, आयुष्मान खुराना की मूवी है, जब भी आपको मौका मिले उस मूवी को जरूर देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बहुत मोटिवेटिंग मूवी है यार, मतलब वो ये कहती है कि आप जैसे भी हो आप लव योर सेल्फ, ठीक है, आप जैसे भी हो यू हैव टू लव योर सेल्फ, आप जैसे भी हो एक्सेप्ट योर सेल्फ। देखो उसमें एक था आयुष्मान खुराना का करेक्टर जिसके बाल नहीं थे, बाल गायब हो गए थे, इसलिए मूवी का नाम बाला था। सो उसमें और भी लोग थे, सिर्फ गंजे नहीं थे, काले भी थे उसमें, नाटे भी थे, तो वो ये कहते हैं कि आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, लव योर सेल्फ आप जैसे भी हो, क्योंकि आप जब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ले तो दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे कि सबको पता है मेरी अंग्रेजी खराब है, अब मेरी अंग्रेजी खराब है, अब मैं पब्लिकली बोल देता हूँ यार, लाइव सेशन में कितने लोग देखते हैं मुझे, ठीक है, और मैं पब्लिकली बोल देता हूँ क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, नहीं है, मैं खुद ही हंस देता हूँ बहुत बार, है ना, मेरी अंग्रेजी के चक्कर में। सो जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करती है कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन जब आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हो फिर दुनिया उसके ऊपर हंसने लगती है, वो आपको कभी बर्दाश्त नहीं होगा, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप ही एक्सेप्ट नहीं करते हो। सो इसीलिए वो मूवी बहुत अच्छी है, आप एक बार जरूर देखना। आप जैसे भी हो, दुनिया अगर आपको पिंच करती किसी चीज को लेके, एक्सेप्ट करो, और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद क्या करो, लीव इट, हंसो उनके साथ, हंसो तो चौथे दिन हंसना भूल जाएंगे वो लोग, ठीक है, जैसे आप लोग करते हो। तो फाइनली मैटी सबने समझ लिया, मैटी सबने समझ लिया, मैटी क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड के मिक्सचर को मैटी बोलते हैं, इज दिस क्लियर। अब देखो यहां पर तो समस्या हो गई, समस्या ये होगी कि हमारे पास तो क्यूब कॉपर अब सल्फाइड की फॉर्म में आ गया वापस, मैटी में कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में आ गया, तो अब आपका खेल असली शुरू होता है,
ठीक है. सो जब आपके पास स्मेल्टिंग में मैटी आपके पास सल्फाइड फॉर्म में कॉपर दे रहा है तो अब क्या करें, तो अब देखो ये मैटी को कॉपर में बदलना है. अब कॉपर भी क्या है जरा आप चेक करना, यहां पर मैटी को कॉपर में बदलना है और कॉपर का नाम क्या है, ब्लिस्टर कॉपर. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेसमराइजेशन करना पड़ता है. नोट करो यहां पर मैटी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं, जरा आप चेक करना मैटी का फॉर्मूला क्या है. मैटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो सल्फर के साथ है और FeO, इसको मैटी बोलते हैं बेटा, इसमें सल्फर है. यस. और जब आप उसको बेसमराइजेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लिस्टर कॉपर के अंदर. ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर ऑलमोस्ट 90% प्योर होता है, लेकिन कॉपर की सरफेस पर जरा आप चेक करना सल्फर यहां पर साथ है. यस. जब आप बेसमराइजेशन करोगे तो ये सल्फर SO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा. यस. ये सल्फर क्या करेगा, SO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा. यस. सल्फर है उसके अंदर, ये सल्फर SO2 की फॉर्म में जब बाहर निकल रहा होगा तो आप मुझे बताओ कि गैस बाहर कैसे निकलती है, छेद में से. छेद नहीं होगा तो छेद कर लेगी. तुम्हारा अगर मान लो शरीर में छेद नहीं देता भगवान तो तुम्हारे छेद ही छेद हो जाते, छेदी सिंह बन जाते तुम. सलमान खान का डायलॉग सुने हो कि नहीं सुने हो, हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे तो तुम भूल जाओगे सांस कहां से ले और पादे कहां से, याद है. तो मतलब क्या, भगवान ने छेद दिए क्यों, ताकि आपके शरीर में जो अनवांटेड गैसेस हैं वो बाहर निकलें. लेकिन कॉपर के सरफेस पर तो क्या है, छेद ही नहीं है. अब छेद नहीं है कॉपर के, जो पहला कॉपर मैटी था ये मैटी के सरफेस पे छेद नहीं है. जब छेद नहीं है सल्फर को बाहर निकलना है तो वो क्या करेगी, छेद बना के बाहर निकलेगी. आ रहा है समझ में, यहां पर ये छेद बना के बाहर निकलेगी, एक फफोले इकट्ठे हो जाएंगे उसकी सरफेस पर, उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं. तो कोई पूछे कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर एक छेदी सिंग वाला, छेदी सरफेस वाला कॉपर होता है. आया समझ में, कॉपर के सरफेस पे छेद ही छेद पैदा हो जाते हैं, उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं. सबको समझ में आ गया, यस और नो? तो ब्लिस्टर कॉपर वी कैन से पाद वाला कॉपर, ठीक है, याद रह जाएगा. ब्लिस्टर कॉपर का मतलब ब्लास्ट हुआ उसके अंदर, ब्लिस्टर मतलब ब्लास्ट हुआ है, पाद वाला कॉपर छेदी छेद होते हैं उसके अंदर. समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलती है ऐसे ऐसे करके. तो सारा सरफेस एकदम छेद छेद वाला हो जाता है, फफोले निकल जाते हैं उसके, है ना, सरफेस पे. मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, इज दिस क्लियर? तो कल को बोले कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है तो भूलना मत, ठीक है. अच्छा, किसी को पता ही नहीं व्हाट इज पाद, अमित पूछ रहे पाद क्या होता है और ये नहीं बता सकता मैं ते भगवान, कैसी कैसी बातें करा रहे हो लाइव सेशन में मेरे से. बोले पाद क्या होता है तो बता दो भैया, ये ना जो पाद पूछ रहे पाद क्या होता है, तुम जाके गूगल मैया को पूछो, जाके लिख दो एक बार गूगल मैया के इधर लिख दो कि व्हाट इज पाद, तो बता दे पाद क्या होता है. ऐसे ऐसे लोग हैं, पाद मैंने इंग्लिश में उसको फार्ट बोलते हैं, कई लोग शर्म से मर रहे हैं आज, फार्ट FART उसको पाद बोलते हैं. समझ में आ गया, तो ब्लिस्टर कॉपर इज बेसिकली फार्ट वाला कॉपर. समझ में आ गया, तो ये मतलब निकलता है उसका. सबको समझ में आया? अब करना क्या है, मैटी जो आपके पास है उसको ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, जिसका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का नाम देख लो, इसका नाम क्या है, बेसिमराइजेशन. याद रहेगा ये बेसिमराइजेशन, ये इस प्रोसेस का नाम है. तो चलो अपन बेसिमराइजेशन करते हैं, चले शुरू करें बेसिमराइजेशन. आर यू गाइस एक्साइटेड एंड रेडी? बोलो, चलें शुरू करें बेसिमराइजेशन. तो लेट्स स्टार्ट बेसिमराइजेशन. सबसे पहले बेसिमराइजेशन के लिए नोट लिखोगे, राइट डाउन दी नोट्स फॉर बेसिमराइजेशन, राइट डाउन दी नोट्स फॉर बेसिमराइजेशन. चलिए, तो सबसे पहले तो मैटी के अंदर क्या होता है, मैटी के अंदर क्यूप्रस सल्फाइड होता है, सम अनवांटेड FeO अलोंग विद सिलिका. देखो मैटी के अंदर क्या होता है, अभी आप मैटी का फॉर्मूला देखे थे, Fe2S FeO प्लस सिलिका, ये सब मैटी के अंदर होता है. अब अगर इसको आप ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक फर्नेस लेना पड़ेगा जिसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर. नाम लिखो, वही बता रहे हैं अमलान बलिक, वही बता रहे हैं कि बेसिमराइजेशन क्या होता है, वही बता रहे हैं, सुनो तो सही. तो पहला काम क्या है जरा आप चेक करो, बेसिमराइजेशन में आप मैटी कॉपर लेते हो, मैटी कॉपर क्या होता है, कॉपर सल्फाइड प्लस FeO प्लस सिलिका. अगर आपको इसको कॉपर में कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिमर कन्वर्टर लेना पड़ेगा. सचिन शर्मा ने सबसे पहले लिखा, शिप्रा सिंह, सचिन शर्मा, हीरा शेख, बेसिमर कन्वर्टर लेना पड़ेगा. यह भी एक फर्नेस होता है,
जिसकी स्ट्रक्चर पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट बेसेमर कॉपर बेसेमर फर्नेस के अंदर बेसेमराइजेशन किया जाता है. ओके, सो बेसेमर फर्नेस या बेसेमर कन्वर्टर के अंदर बेसेमराइजेशन किया जाता है. अब वहां पर होता क्या है, व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मैटी द फॉलोइंग रिएक्शंस हैपन. जब आप देखो मैटी के साथ जब आप एयर को ब्लो करवाते हो तो ये रिएक्शंस अभी जो दिखा रहा हूं वो होंगी, जिसके साथ आपको कॉपर मिल जाएगा. उस कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहेंगे और मैं आपको ब्लिस्टर कॉपर की सूरत दिखाऊंगा, शक्ल दिखाऊंगा, एकदम कुरूप होता है, कुरूप है ना. लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा तुम जैसे हो तुम खुद को प्यार करो, है ना. तो आप जरा ध्यान से इसको चेक करना. मैं फिर से एक बार दोबारा बता देता हूं, बेसेमराइजेशन, कोई पूछ रहा है बेसेमराइजेशन क्या होता है. बेसेमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी विल कन्वर्ट मैटी, वी विल कन्वर्ट मैटी इंटू ब्लिस्टर कॉपर. इसी को बेसेमराइजेशन कहते हैं. अपना दिमाग तो लगाना मत, ये ब्लिस्टर कॉपर सारा हम पका पकाया दे रहे हैं. अब बोलो सब लोग बेसेमराइजेशन क्या होता है, चैट सेक्शन में लिखो. अमैटी नहीं है, मैटी है. अरे गलती से लिख दिया, कई छोरे तो दिमाग बिल्कुल घर पे छोड़ के आते हैं. कहा लिखा अमैटी, हटा दो ना ए, ए हटा दो. सबको समझ में आ गया क्या, या दोबारा समझाऊं. बेसेमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी विल कन्वर्ट मैटी टू ब्लिस्टर कॉपर, दैट इज कॉल्ड बेसेमराइजेशन. जिसको किसमें किया जाता है, बेसेमर कन्वर्टर में किया जाता है. सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. फाइनली चले अब केमिकल रिएक्शन देखो कैसे कैसे होता है. चलो अब मैटी क्या होता है, पुष्पेंद्र गुप्ता मैटी में पहले ही बता चुका हूं मैटी क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था. किधर गुम रहते हो तुम लोग, सारा सारी रामायण खत्म हो जाती है फिर पूछते हो सीताराम कौन था. तो इसके लिए तो तुम एक बार देख लेना पूरी वीडियो को दोबारा, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं. यहां पर केमिकल रिएक्शन ये है जो बेसेमराइजेशन में होंगी. बेसेमराइजेशन में प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है जरा आप चेक करो. आप जिसको नहीं पता, सबसे पहले तो आपको इस बेसेमराइजेशन में करना क्या है, इस बेसेमराइजेशन प्रोसेस में मैटी को आप कन्वर्ट करोगे ब्लिस्टर कॉपर के अंदर. ओके, सो ब्लिस्टर कॉपर के अंदर कन्वर्ट करना है. मैटी होता क्या है, मैटी होता है क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस ऑक्साइड प्लस सिलिका का मिक्सचर. राम जाने कब सीखोगे, सारी रामायण पढ़ा के लास्ट में वही सवाल पूछ लेते हो. समझ में आ गया सबको. तो यहां पर कॉपर सल्फाइड फेरस ऑक्साइड और सिलिका के मिक्सचर को हम लोग मैटी बोलते हैं, ठीक है. अब इसको ब्लिस्टर कॉपर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या करता है उसी फर्नेस में कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दिख गया सब लोगों को, और SO2 गैस बाहर निकल जाती है. प्रोसेस के नाम ही तो अलग है, काम तो सारा सेम ही है. उसके बाद यहां पर सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, वही कॉपर सल्फाइड बचे हुए कॉपर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, वही कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको कॉपर दे देगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी. और यहां पर जरा चेक करो, FeS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO. क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, स्लैग. अब बहुत आसान है, अगर आप दिमाग लगाओ तो ये चारों केमिकल रिएक्शन आप चुटकियों में याद कर सकते हो, चुटकियों में. जिस जिसको याद हो गई एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो कि बेसेमराइजेशन की चारों केमिकल रिएक्शन मेरे को याद है. दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि हमको पता है मैटी में क्यूपर सल्फाइड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है, वही कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर को अलग कर देती है, FeS FeO में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है. ये चार केमिकल रिएक्शन के लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि अब सिद्धार्थ पूछ रहा है सेल्फ रिडक्शन क्या होता है. भाई यहां पे खुद ही कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करके दूसरे कॉपर सल्फाइड को कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है, इसी को सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं. पढ़ते करते तो तुम हो नहीं, क्या करोगे तुम, ये इसी को सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, ये सेल्फ रिडक्शन है. राम जाने क्या होगा आज की जनरेशन का, सारा पढ़ा के लास्ट में भाई पूछ सीताराम कौन है. किस किस को समझ में आ गया, ये तो चैट धीरे धीरे कैसे चल रही है. मैं अभी रुकता हूं, मैं 30 सेकंड के लिए रुकता हूं, जो जो बच्चे भी प्रेजेंट हैं एक बार लिखना कि यस सर हमें समझ में आ गया. हाँ आनंद जी रिपीट करेंगे ही, तो एक बार में कई बच्चों को समझ में आता ही नहीं है. बोलो आ गया. अब जिसको नहीं आया वो दोबारा देख लो एक बार. अब देखो यहां पर गौर करना क्या है हमारे पास, क्या है प्रोसेस का नाम, बेसिमराइजेशन. ओके, अब ये बेसिमराइजेशन क्या होता है उसको अपन चेक करते हैं. चलो बेसिमराइजेशन को दोबारा चेक कर लो, जिसको नहीं आता वो देखो यहां बेसिमराइजेशन क्या होता है, बेसिमराइजेशन क्या होता है उस प्रोसेस को आप चेक करना, ठीक है. चलो मैं समझाता हूं आपको बेसिमराइजेशन क्या होता है.
तो सब लोग गौर से देखना पैसिमराइजेशन क्या होता है. देखो लिखो पैसिमराइजेशन. पैसिमराइजेशन शुरू से समझो. इन पैसिमराइजेशन वी विल कन्वर्ट मैटी ऑफ कॉपर इंटू ब्लिस्टर कॉपर. नलायकों ब्लिस्टर कॉपर, मैटी ऑफ कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करोगे. मैटी ऑफ कॉपर क्या होता है? मैटी ऑफ कॉपर होता है फेरस ऑक्साइड प्लस क्यूप्रस सल्फाइड के मिक्सचर को हम लोग मैटी ऑफ कॉपर बोलते हैं. इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे. ये ऑलमोस्ट प्योर कॉपर होता है लेकिन इसमें फफोले निकले हुए होते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लो. कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप क्या लोगे? Cu2S. इसको किससे रिएक्ट कराओगे? ऑक्सीजन के साथ. ये क्या देगा आपको? Cu2O प्लस क्या निकाल देगा? सल्फर डाइऑक्साइड. क्या ये केमिकल रिएक्शन हार्ड है? क्या इसके लिए आपको अमेज़न से लाल रंग का चड्डी खरीदना पड़ेगा? कैसे करोगे यार आप? छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन में रिपीट का साइन बोल देते हो. दूसरा आ जाओ यहां पर, हो गया. अब यही क्यूप्रस सल्फाइड, यही क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करेगा? क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा. यही, इसी को सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं. जो तुमने पैदा किया वही क्यूप्रस सल्फाइड को कॉपर में कन्वर्ट कर देता है. ये देखो, और यहां से SO2 गैस बाहर निकल जाती है. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन. यही सेल्फ रिडक्शन कहलाता है. बहुत आसान है यार. अब उसके बाद क्या होगा? Fe साथ में क्या दे रखा है? कहां गया? इसमें कुछ फेरस सल्फाइड की भी इंप्योरिटी है. कुछ फेरस सल्फाइड की इंप्योरिटी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? फेरस ऑक्साइड में. फाइनली यही फेरस ऑक्साइड क्या करेगा? सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैज बना लेगा FeSiO3 और ये तैरने लग जाएगा और उसको आप अलग कर लोगे बेसिमराइजेशन प्रोसेस में. अभी किस किस को समझ में आ गया? सेल्फ रिडक्शन सबको समझ में आ गया. दो बार समझा दिया यार. किस किस को समझ में आ गया? रोस्टिंग कहां से आ गई? जयदीप सिंह कहां से रोस्टिंग घुसा रहा है? सबको समझ में आ गया क्या? यस और नो में जवाब दो. जो बचा कुचा FeS होगा उसके अंदर पड़ा होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइनली वही FeO स्लैग के साथ रिएक्ट करके, यहां पर सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगा. ये सिंपल सा प्रोसेस है. इसी को हम लोग बेसिमराइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? बेसिमराइजेशन. सबको समझ में आ गया? अब बेसिमराइजेशन के बाद ये है वो केमिकल रिएक्शन जो मैंने लिख के दी. ठीक है, अब जरा आप चेक करो. सवाल पूछा है आपसे, Why this copper is called blister copper? क्यों इस कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं? सवाल पूछा आपसे, क्यों इस कॉपर को जो भी तुमने निकाला उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं? ये जो कॉपर दिख रहा है ना आपको, ये निकाला है आपने, क्यों इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं? जरा आप चेक करो. सवाल है आपके लिए, इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहा जाता है? BC मतलब ब्लिस्टर कॉपर. गलत मत सोचना, कहीं बोलो कि सर ने कुछ गलत लिख दिया. नहीं, BC मतलब ब्लिस्टर कॉपर. ओके, सो ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड यहां से निकला, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकला. ये निकलेगा कहां से? जरा आप चेक करो. ये निकलेगा यहां, ये कॉपर की सरफेस से निकलेगा तो फफोले पैदा कर देगा, उसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या है जरा चेक करो ना. दिस इज द आंसर. चेक करो, द कॉपर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज SO2 हिडन इन एस्केप्ड आउट प्रोड्यूसिंग द ब्लिस्टर ऑन द सरफेस. ओके, ब्लिस्टर पैदा कर देती है. कैसे? मैं आपको शक्ल दिखाता हूं. ये देख लो कितनी गंदी लग रही है. देखो, इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं. देखो जरा ध्यान से, फफोले पैदा हो जाते हैं. फफोले. इज दिस क्लियर? किसी कुछ पूछना है? ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर. कई देर से बोले ब्लिस्टर कॉपर दिखा दो. देख लिया सबने? ऐसे फफोले पैदा हो जाते हैं. सबको समझ में आ गया क्या? आ गया. अब आगे चलें. हाँ, गंदा फंजी, इसी कॉपर को यूज करते हैं इतना सब कुछ निकालने के बाद. आ गया, देख लिया सबने? ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर. ओ माय गॉड, मैं से तो देखा ही नहीं जा रहा. ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर. सबको समझ में आ गया? अब इस ब्लिस्टर कॉपर की खास बात क्या होती है, चलो उस पर चलते हैं. हो गया भैया MD, थोड़ा सब्र तो रखो. तो फाइनली अब ब्लिस्टर कॉपर की खास बात क्या होती है? ब्लिस्टर कॉपर 99% तक प्योर होता है. जरा आप चेक कर लो, 99% तक प्योर होता है. बट इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी किसकी रह जाती है? आयरन की, आर्सेनिक की, जिंक की, लेड की, AG की. अब इसको भी दूर करना है. ये थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाती है. अब दीज इंप्योरिटीज अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल. अब ये जो सारी इंप्योरिटी है वो कॉपर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं? कम करती हैं, अफेक्ट करती हैं. इसलिए इसको दूर करना जरूरी है.
सो फाइनली ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिफाइनिंग करते हैं ताकि हमें 99% से भी इंप्योरिटी को दूर कर दें। जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनो, ब्लिस्टर कॉपर ये वाला ऑलमोस्ट 99% तक प्योर है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत 1% की इंप्योरिटी है जिसको भी हम लोग दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कॉपर के खुद की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिड्यूस होती है, तो हमें वो चाहिए नहीं। उसको दूर करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, उसको दूर करने का तरीका क्या है? दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। इज दिस क्लियर? दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो स्टेप 4 क्या है? रिफाइनिंग। क्या करोगे रिफाइनिंग के अंदर? खत्म हो गया चैप्टर, बस अभी लास्ट है। रिफाइनिंग में क्या करोगे? ये स्टेप 4 है। आप यहां पर ब्लिस्टर कॉपर को कन्वर्ट करोगे प्योर कॉपर में थ्रू रिफाइनिंग। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग याद है क्या होता है? उसमें एक कंटेनर लेते हो, उसमें एक इंप्योर रोड लगाते हो, यही है आपका ब्लिस्टर कॉपर की रोड, बीसी रोड। यही है आपका ब्लिस्टर कॉपर की रोड जिसको आप बैटरी के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक पतली सी रोड से जुड़ा रहता है, ये है आपका प्योर कॉपर की रोड, याद है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं। कितना आसान है जरा चेक करो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत इसके अंदर H2SO4 भी डाल देते हैं। अब यहां से क्या होगा, कॉपर निकल निकल के कहां आएगा सॉल्यूशन में, यहां से निकल निकल के कहां जाएगा, इस रोड की तरफ। फाइनली ये रोड पतली होती जाएगी और ये रोड मोटी होती जाएगी, याद है। यहां पर प्लस का साइन या माइनस का साइन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोड, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कैथोड, याद है या भूल गए हो, बहुत बार करवाए हैं हम, याद है। तो बस इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहां से आपका स्टेप 4 भी खत्म हो गया। फाइनली गाइस ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। एक बार रिवाइज करा देता हूं, जरा आप चेक कर लो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है। ब्लिस्टर कॉपर आप एनोड की तरह यूज करते हो और एक कॉपर का लेते हो कैथोड, ठीक है। सो ये दोनों से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। उसके अंदर आप क्या डालते हो, बेसिकली जरा आप चेक करो, सल्यूशन में डालते हो कॉपर सल्फेट, और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। अब बहुत ही सिंपल है, कॉपर निकल निकल के इंप्योर रोड से Cu+2 की फॉर्म में आएगा, फाइनली यही Cu+2 कैथोड पर जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर दे देगा, और फाइनली ये है आपका पूरा का पूरा सेटअप, मोटी रोड इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, पतली रोड प्योर कॉपर की, सॉल्यूशन इसमें के ऊपर सल्फाइड का भरा हुआ और निकल निकल के फाइनली उस तरफ जाता रहेगा। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? आकिब अशरफ कितनी बार नाम कहलवाओगे, इतनी बार तो हमने उसका भी नाम नहीं लिया है। चेक करो यूजेस ऑफ कॉपर, लास्ट स्लाइड खत्म। यहां से यूजेस ऑफ कॉपर, कॉपर की यूज कहां होती है, सबसे पहले तो कॉपर इज मोस्ट कॉमन यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आप ऊपर देखो पंखे, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, जो पंखा चलता है उसमें कॉपर की वायरिंग, अगर अच्छा पंखा लगाए हो तो, बिकॉज इट कोरोड स्लोली, ये बहुत ही धीरे धीरे कोरोजन होता है इसका, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जंग लगता है। कॉपर इज यूज इन रूफिंग एज वेल, ओके, गटरिंग, रूफिंग, रेन स्पॉट्स एंड बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है कॉपर को। इसके अलावा प्लम्बिंग और यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। कॉपर के बर्तन में पानी पीना बड़ा अच्छा होता है, सुबह सुबह से कहते हैं रात को कॉपर के बर्तन में पानी भर के सुबह पियो तो आपका पेट साफ हो जाता है, ये भी इसका यूज है। समझ में आ गया? तो आपको ज्यादा ब्लिस्टर्स नहीं आते तो कॉपर के बर्तन में पानी पिया करो, ठीक है। चलो गाइस बहुत बहुत बधाई हो, चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब हम चैप्टर से क्या करेंगे, क्विजिंग टाइम है, क्विज करेंगे, तैयार हो सब लोग, चैप्टर खत्म, ये बल्ले 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 बल्ले, क्विज टाइम आ गया आप, चलो क्विज करते हैं, तैयार हो। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 2016 का सवाल है, फटाफट से जवाब दो, देखें कितने लोग जवाब देते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है अरविंद अरोड़ा, बी दूसरा भुवन बाम, सी कैरमिनाटी, डी दिल्ली का लौंडा। क्या आंसर बनेगा इसका बताओ फटाफट से, गटरिंग क्या होती है? अमितुल थोड़ा गूगल मैया से भी पूछ लो, कि सारा अरविंद अरोड़ा से ही पूछोगे, गटरिंग भी पूछ रहा है अब यहां पर, गटर क्या होता है, क्या करोगे तुम, गटर नहीं पता तुम्हें, अब भी बताओ इसका आंसर बताओ, आसान सवाल है, इसका जवाब दो।
सारी चीज तुम अरविंद अरोड़ा से ही पूछ लो। कल कोई पूछे मेरी शादी कब होगी, फिर मेरे छोरे कब होंगे, फिर मेरी छोरियां कब होंगी, फिर मैं ये कब बोलूंगा कि छोरियां हमारी छोरों से कम है के, अब इसका तो कोई इलाज नहीं मेरे पास। तो अपने क्वेश्चन का आंसर दो। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओज इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटर फ्रॉम फ्रोथ रोटेशन। यार इसका आंसर लोग ए दे रहे हैं। हाउ शेम ऑफ यू मैन, अंग्रेजी सही है कई भैंस पानी में। पहले सवाल का जवाब आपसे पूछा है गैलेना, इसका आंसर होगा। तुम क्या क्या आंसर दे रहे हो? गैलेना क्या होता है? पीबीएस नालायकों, फ्रोथ रोटेशन से सल्फाइड ओर को किया जाता है, बी आंसर बनेगा। लोग ए आंसर झाड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या करोगे तुम लोग, इतना सारा मेटलर्जी में मेहनत किया और तुम बर्बाद कर दिया पहली सवाल में नालायकों। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, सिडराइट क्या होता है यहां पर जरा चेक करो, सिडराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3। तो ये सल्फाइड ओर थोड़ी है, इसमें फ्रोथ रोटेशन कहां लगाओगे? गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? पीबीएस। और मेलेकेट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आज करवाया है। ये मेलेकेट का फॉर्मूला, इसमें सल्फर दिख रहा है, किसको दिख रहा है? जाके आंखें चेक कराओ, इसमें सल्फर दिख रहा है जिसको। और ये मैग्नेटाइट, इसके ये भी ऑक्साइड है, क्या इसमें सल्फर दिख रहा है तुम लोगों को नालायकों? तो आंसर इसका क्या बनेगा? गैलेना, जिसमें फ्रोथ रोटेशन लगाते हो, ए आंसर बोल रहे हो। अगला सवाल ये रहा आपकी सर से स्क्रीन पर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, चार ऑप्शन ऑफ द पिग आयरन, रोट आयरन, रेड आयरन, स्टील, चार हैं आपके पास ऑप्शंस, आंसर बताओ इसका क्या होगा। चलो आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ। जब तक तुम आंसर नहीं बताओगे तो गलत बात हो जाएगी, दिल दुख जाएगा मेरा। तो बताओ बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर यहां दे रहे हैं। पर पिग आयरन बिल्कुल भी प्योर नहीं होता यहाँ पर, एक्चुअल में आंसर स्टील तो वैसे भी अलॉय है, वो कहाँ से प्योर होगा, वो तो खुद किसी के मिक्सचर से बना है। रोट आयरन आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन आप देख लो। रोट आयरन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हैविंग 0.8% कार्बन कंटेंट, ओनली सिर्फ 0.8% कार्बन कंटेंट होता है, आंसर इसका बी बनेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करो यार क्वेश्चन की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प यू लॉट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2015 का सवाल है। पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो हम कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपसे पूछे इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठा झूठा स्टेटमेंट कौन सा है? तो आप कहोगे सर हट जाओ, स्टेटमेंट कैसे पढ़ोगे, तो लो पढ़ो फटाफट से, पढ़ो 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 पढ़ो, शाबाश। चन्ना वे घर आ जावे, चार ऑप्शन है, पढ़ के दिखाए तुम्हें। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, क्या इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल होती है, भूल गए तुम लोग, ये कहां मिलेगी? एनोड की तरफ, याद है। दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन, Al2O3 इज मिक्स विद कैल्शियम फ्लोराइड विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स द कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, इसलिए डालते हो तुम लोग इसको। तो बी ऑप्शन भी सही है, आपसे रॉन्ग पूछा है। सी ऑप्शन क्या है आपके पास? Al+3 इज रिड्यूस एट कैथोड इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी सही है क्योंकि प्लस थ्री की फॉर्म में होता है एल्यूमिनियम। तो डी बचा, डी मने डॉगी, दिस इज द भोगी, आंसर ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ए वाला गलत कहाँ है? अरे ए होता है, जाके चेक करो वहां पर कौन सी गैस निकलती है एनोड पे, सभी नालायक हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ही आंसर निकलती है, डी आंसर बनेगा इसका। अगर आपने डी दियो बिल्कुल सही है, क्योंकि Na3LF6 वहां पर एज अ सॉल्वेंट काम करता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, समझ में आ गया। चलो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं, चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर भी दिया हुआ है, जरा चेक करो। लास्ट वाला देखो, Al2O3 इज एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग द रेडॉक्स प्रोसेस, Na3LF6 ऑल्दो इज एन इलेक्ट्रोलाइट बट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट, वहां पर वह सॉल्वेंट के जैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम नहीं करता है। जरा आप चेक करो, यहां पर ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करता है, आंसर इसका डी बनेगा। अगर आप डी दिए हो तो बिल्कुल सही हो। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया? बड़ा वाला गलत हो गया? अच्छा कई लोग ऐसे सोच रहे कि बड़ा वाला सही होगा, बड़ा वाला गलत हो गया, बड़ा वाला गलत है, फिर डी आंसर बनेगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2007 का सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, अगर आपको जिंक निकालना है जिंक ब्लेंड से तो कैसे निकालोगे, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है यार ये, जिंक ब्लेंड से जिंक निकालना है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, हाँ, एंड रिडक्शन विद कार्बन, बहुत आसान है। इसका आंसर क्या बनेगा?
करवा दिया था पहले यार, बी आंसर है। कई बच्चे तो जवाब चार बार कराने के बाद भी नहीं, दिल दुखता है मेरा, आकाश सोनी सी आंसर दिया, काय को रोस्टिंग करोगे और कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करोगे, हो जाएगा आपको मेटल कहाँ, अलग अनदर मेटल ही कहाँ जरूरत पड़ती है उसमें, करवा चुके हैं जिंक वाला। चौथा सवाल का आंसर बी बनेगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन, जरा आप चेक कर लो। रोस्टिंग में यहाँ पर ऑक्सीजन यूज करते हैं, फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। अगला सवाल का जवाब दो, चलो 2007 का सवाल है, विच और कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। आपको बताना है कि ये अभी किया है थोड़ी देर पहले, सच्ची बता रहा हूं, करके आए हो, बताओ इसका आंसर क्या है। ऐसा कौन सा और है जो आयरन कॉपर दोनों होते हैं उसके अंदर, अभी किया यार, दिल दुख जाएगा मेरा नहीं बताता, आयरन और कॉपर दोनों होते हैं। अभी किया, अभी करके आए हैं थोड़ी देर पहले ही। क्या आंसर बनेगा इसका, फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, सी मने कैटी मैया, समझ में आ गया। चलो चल को पायरेट अभी किया है, जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, फॉर्मूला लिखे हैं चेक कर लो, चल को पायरेट CuFeS2, ठीक है, क्यूपराइट Cu2O, चेल्कोसाइट Cu2S एंड मेलेसाइट, ये चेक कर लो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2001 का सवाल है, अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लेज फॉर्म ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज, चार ऑप्शन आपके पास, आंसर दो क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, चार नंबर ये फ्री के थे, 2001 का सवाल है ये, फटाफट से आंसर दो क्या बनेगा, अभी करके आए हो, पॉटी नहीं मैं सवाल की बात कर रहा हूं, सवाल अभी करके आए हो, करे आंसर क्या बनेगा इसका, बी मने बिल्ली, ठीक है, सी मने कैट और बी मने बिल्ली, सही है। तो देखो बी और सी दोनों सेम ही है, मतलब बी मने बिल्ली सी मने कैट, FeSiO3 आंसर बनेगा। अगला सवाल ये सॉल्यूशन है इसका, आयन प्रेजेंट इन कॉपर FeS2 की FeSiO23 की फॉर्म में निकलता है। अगले सवाल का जवाब दो, सातवां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत सिंपल है, करवा चुका हूं पूरा चैप्टर, आंसर बताओ इसका। द मेजर रोल ऑफ फ्लोस्पार CaF2 विच इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट इन इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्मीना डिजोल्व इज फ्यूज इन फ्यूज क्रायोलाइट इज, 1993 का क्वेश्चन आपसे पूछा कि यहां पर CaF2 का काम क्या है, ये भी मैंने पहले करवाया था। कैल्शियम फ्लोराइड का काम क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड का काम क्या है, बहुत सिंपल है यार, कितनी बार करवाओगे, आंसर क्या बनेगा इसका, बी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि क्रायोलाइट कैसे काम करता है, सॉल्वेंट के जैसे, बहुत सिंपल आंसर इसका बी बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही करवा के आए हैं, अभी बात की थी इसके बारे में, ये इसका आंसर है, चेक कर लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगला सवाल, आठवां नंबर सवाल, एल्युमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय, एल्युमिनियम मेटल को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, चार ऑप्शंस आपके पास है, आंसर बताओ इसका क्या होगा, ये भी करके आए हो, मैंने करवाया है सब, ऐसा कोई सवाल नहीं जो मैंने ना करवाया हो। एल्युमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय, एल्युमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड, प्यूरी क्वेश्चन नाम पढ़ो क्या लिखा, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाई, प्यूरिफाई, हुप्स प्रोसेस याद करो, करवाया ये भी, हुप्स प्रोसेस ना लाइको, कई लोग बी आंसर दे, हॉल हॉल हेरोल्ट स्पर्क्स बेयर, अरे हुप्स प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन पूछा आपसे, ए आंसर बनेगा, ठीक है प्यूरिफिकेशन। अब नाइन्थ क्वेश्चन पर आ जाओ, तो केमिकल प्रोसेस इन दी प्रोडक्शन ऑफ Fe फ्रॉम हेमेटाइट और इन्वोल 2000 का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, अगर आपको हेमेटाइट से Fe निकालना है तो कौन सा वाला प्रोसेस लगाओगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ये रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन का तो सेंस ही नहीं है यार, रिडक्शन होगा, ये फर्जी सवाल है, पता नहीं क्यों दे दिया। आंसर इसका क्या बनेगा, ए रिडक्शन, ऐसे भी सवाल आते हैं देख लो, जो भी बच्चे नहीं कर पाते, चार नंबर फ्री के थे ये, ऑक्सीडेशन कराते हो क्या मेटल निकालने के लिए, कभी होता है क्या ऑक्सीडेशन, तो तीनों ऑप्शन ही लैप्स हो गए, ऊपर एक ही आंसर बनेगा इसका, ए हो गया। अब आते हैं ये वाला लास्ट, ये वाला है रिडक्शन कराते हो, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, लास्ट क्वेश्चन, बलम बबू, अरे बाहुबली बाहु भाई,
रिपीट करो रिपीट करो. अरे बावला हो गया क्या, उसमें क्या था? ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, रिडक्शन ही होती है. वो कह रहे रिपीट करो, क्या था उसमें? ये सवाल पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय हेल हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म्स मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म्स मेल्ट विद हायर मेल्टिंग टेम्परेचर. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कई लोग ये लिख रहे हैं NaCl, नमक डालते हो क्या तुम लोग? नलायकों, नमक कब डलवाया मैंने? घर से लेके आया था कभी नमक? कई लोग ये आंसर लिख रहे हैं, सब होशियार की पूछड़ी है. आंसर क्या बनेगा इसका? सी, ऑब्वियसली. फ्लोराइड डाल दो क्रायोलाइट के साथ जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पर उसको मेल्ट कर सकते हो. सी, हाई टेम्परेचर वाला तो आंसर बनेगा ही नहीं. ठीक है, हाँ. अब यहां कंफ्यूजन बी और सी में से हो सकता है, क्योंकि वहां फ्लोराइड भी डालते हो लेकिन वहां क्रायोलाइट भी तो डालते हो, तो एग्जैक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, विच इज सी. सी आंसर बनेगा. सी मने कैटी, कैटी पैरी. समझ में आ गया? हमारी प्यारी कैटी पैरी, सही बात. तो आंसर इसका क्या बनेगा? सी. सो फाइनली गाइस, हमने 10 बढ़िया सवाल भी कर लिए. क्रायोलाइट इज एडेड टू एल्यूमिना इन ऑर्डर टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट. अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. या बेसिकली फ्लोराइड होता है उसके अंदर, ये भी वैसे गलत लिखा हुआ है ना. चलो तो फाइनली गाइस, बहुत बहुत बधाई हो. एक और सवाल ले लेते हैं, मेरे सामने यहाँ आया हुआ है. ये सवाल आपका होमवर्क है, करोगे सब लोग. इन दी कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइटिक यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? ये भी आसान सवाल है. और अब हो गया, बस ये लास्ट है. अब मैं आप लोगों से कहूंगा अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है, उसके लिए आप चैट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो. मेटलर्जी भी खत्म हो गया, ठीक है. मेटलर्जी का प्लेलिस्ट हम लोग शेयर करवा देंगे आप लोगों से, अगर किसी ने नहीं देखा है तो. सो ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है. आप इसको ढूंढोगे, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं. फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज, कहां गया आंसर? आंसर है ही नहीं, आंसर है ही नहीं. ये रहा आंसर. Al2O3 means cryolite, अभी पढ़े हो तुम लोग, ठीक है. इस फ्यूज, ये आंसर बन गया इसका. तो अभी 11 सवाल करा दिया आपको. GOC तो 11th, देखो GOC लिख रहे हैं सब लोग. चलो मैं GOC शुरू करना ही पड़ेगा, काफी ज्यादा डिमांड है GOC की. चलो GOC शुरू करेंगे. और कोऑर्डिनेशन का तो एक ही टॉपिक बाकी है यार, वो भी करना है, सही बात है. ज्यादातर बच्चों ने GOC लिखा है लेकिन वो 11th का टॉपिक है, बट ठीक है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. सो फाइनली गाइज, चलो मैं डिसाइड करूंगा, हमारी टीम को बोल दूंगा. तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके आंसर भी दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. सो आप ये प्रैक्टिस के लिए PDF जरूर डाउनलोड कर लेना. और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आएगा कम्युनिटी सेक्शन में, उसमें जाके PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है. और इसमें बाकी क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप करना, ठीक है. मेहनत पूरी कर रखी है, बस वहां अरविंद सर नहीं होंगे, आपको बैठ के बस करना होगा. ये हमारा ये टूट गया, टस से टूट गया. फाइनली गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ो मेरे साथ, मजा तभी आएगा आप लोगों को, ठीक है. तो आप जुड़ जाओ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फटाफट से, बहुत 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 मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है? arvind.aroraz. उसके अलावा टेलीग्राम के ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लो, विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोमिस करो कि सब लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे. तीन छोटे छोटे से काम, सच्ची बता रहा हूँ, जब ये तीन काम आप करते हो ना तो सीधे दिल में जगह बना लेते हो आप मेरी. तो मैं आप सबसे कहता हूँ, बाकी लोगों के दिल में भी जगह बनाओ. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा. टेक्निकल रिव्यू करा चुका हूँ. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. वक्त आ गया, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नेहा पवार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नेहा कैरी मेरा नाम ले दो, नेहा हाय. सो फाइनली थैंक यू सो मच गाइज, वी रियली लव यू एंड वी लव यू मोर इफ यू डू दीज थ्री थिंग्स गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कम ऑन गाइज, ठीक है. चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ. चलो बाय बाय. चन्ना वे घर आ जावे,
टोलावे घर आ जावे। हाँ, अले दिखाई रहेगा अभी तक? अच्छा, मुझे देखिए।